हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक पहल। मैं अजय यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय चार, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व क्या है। ठीक है, लिखेंगे भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत आवेश एवं गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकत्व के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। फिर से समझिए, विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेश एवं गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में कहना चाहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, से 200 वर्ष पूर्व भी लोगों को विद्युत एवं चुंबकत्व के बारे में ज्ञान था, परंतु इसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति तब आई जब 1820 ईस्वी में डेनिश वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने अपने एक भाषण में प्रयोग करते हुए देखा कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उसके बगल में रखी गई चुंबकीय सुई में भी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने इसके बारे में अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिनके निष्कर्षों का अध्ययन हम ओरस्टेड के प्रयोग के अंतर्गत करेंगे। 1820 ईस्वी में ओरस्टेड ने एक भाषण देते हुए अपने प्रयोग में देखा कि किसी धारावाही चालक तार के बगल में रखी गई चुंबकीय सुई में भी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवश्य ही एक दूसरे से संबंधित होंगे। उसके बाद में उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिसको हम ओरस्टेड के प्रयोग के नाम से जानते हैं। ओरस्टेड ने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए तीन प्रमुख प्रयोग किए। इसको समझ लेते हैं। देखिए, दिए गए चित्र में ये एक सेल है जिसका संबंध एक धारा नियंत्रक से किया गया है, और पुनः यहाँ से होते हुए इसको तार ए और बी से जोड़ा गया है। क्या आप लोगों को ये फिगर समझ में आ गया? उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक सेल लिया, सेल का संबंध है एक धारा नियंत्रक से कर दिया, जो धारा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद उन्होंने इस धारा नियंत्रक का संबंध है तार एबी से कर दिया, और फिर इसका संबंध बैटरी के सिरे से कर दिया। इस पूरे परिपथ में उन्होंने यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, जिसकी सहायता से धारा को रोका अथवा प्रवाहित किया जा सकता है। जब उन्होंने
इस विद्युत परिपथ अर्थात तार एबी में कोई धारा प्रवाहित नहीं की तो कंपास सुई में भी कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। क्लियर है बात। देखिए स्थिति सेकंड में जब धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगी तो चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा पश्चिम की ओर थोड़ा सा विक्षेपित हो गया। जब इसमें धारा की दिशा ए से बी की ओर प्रवाहित की गई तो पास सुई का उत्तरी सिरा पश्चिम की ओर थोड़ा सा विक्षेपित हो गया। स्थिति थर्ड में जब उन्होंने धारा की दिशा को पलट दिया अर्थात इस बार धारा बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही थी तो जो कंपास सुई थी उसका नॉर्थ सिरा स्थिति थर्ड में जब उन्होंने धारा की प्रवाह को पलट दिया अर्थात इस बार उन्होंने धारा को बी से ए की ओर प्रवाहित किया तो कंपास सुई का उत्तरी सिरा पूर्व की ओर विक्षेपित हो गया। इस प्रकार उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए बार इसको फिर से समझ लेते हैं। फॉरेस्टेड ने अपने प्रयोग को सत्यापित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण प्रयोग किए। पहली स्थिति में जब उन्होंने तार एबी में कोई धारा प्रवाहित नहीं की अर्थात यहाँ पर कुंजी को खुला छोड़ दिया तो इस उन्होंने देखा कि इस कंपास सुई में कोई विक्षोप उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जब इसमें बैटरी के धन सिरे को चालक तार के ए सिरे से जोड़ दिया तो धारा की दिशा ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार पूरे परिपथ में जो धारा की दिशा है वह एंटी क्लॉकवाइज हो गई अर्थात इसमें जो धारा की दिशा थी वह साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होने लगी। तो जब वो धारा की दिशा साउथ से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी तो उन्होंने देखा कि कंपास सुई में जो विक्षोभ है वह भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया या ऐसे कहिए कि जो बैटरी का उत्तरी सिरा था वह थोड़ा सा पश्चिम की ओर विक्षेपित हो गया। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ है। देखिए तो ये थोड़ा सा ऐसे विक्षेपित होगा, अगर ये नॉर्थ से सिरा विक्षेपित होगा तो किधर की ओर जाएगा? पश्चिम की ओर। किधर की ओर? पश्चिम की ओर। क्लियर है। फिर उन्होंने तो धारा की दिशा को पलट दिया अर्थात बैटरी के धन सिरे को चालक तार के बी सिरे से और बैटरी के ऋण सिरे को चालक तार के ए सिरे से जोड़ दिया तो इस प्रकार इसमें बहने वाली दिशा क्लॉकवाइज हो गई। ऐसी हो गई क्लॉकवाइज अर्थात ये घड़ी की दिशा में प्रवाहित होने लगी। देखिए अब धारा की दिशा अगर हम दिखाएं तो इस प्रकार से हो गया क्लॉकवाइज। ऐसा हो गया क्लॉकवाइज। तो जब धारा की दिशा को क्लॉकवाइज अर्थात बी से ए की ओर प्रवाहित किया गया तो उन्होंने देखा कि इस यह जो कंपास सुई है इसका उत्तरी सिरा थोड़ा सा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में विक्षेपित हो गया। ठीक है, ऐसे कह लीजिए कि इसका जो उत्तरी सिरा था वह थोड़ा सा पूर्व की ओर विक्षेपित हो गया ऐसे। ठीक है, ये वाला सिरा नॉर्थ वाला थोड़ा सा इधर की ओर आ गया, इधर की ओर मतलब पूर्व की ओर विक्षेपित हो गया। क्लियर है, ऐसा है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। ये तो इसलिए था उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि भाई चलो ठीक है, अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा अन्यथा नहीं होगा।
तो इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश स्थिर है तो इस स्थिर आवेश के कारण यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। इस स्थिर आवेश के कारण वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। फिर दूसरा उन्होंने इसको देखा और इसको देखा, इससे इन तीनों को मिला के उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि यदि आवेश गतिमान है, यदि आवेश गतिमान है तो चुंबकीय सुई में विक्षोभ होगा। क्या होगा? विक्षोभ होगा। यदि चुंबकीय सुई में विक्षोभ हुआ तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, है ना भाई। देखिए चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है, इसका मतलब इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो निष्कर्ष उन्होंने ये निकाल लिया कि यदि किसी चालक तार में आवेश का आवेश प्रवाहित किए जाए तो वहां पर निश्चित रूप से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरा नियम उन्होंने ये कहा, यदि हम इस चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो इसकी लंबाई बढ़ाने पर इसका विद्युत क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा, इसको सिंपल भाषा में उन्होंने कहा कि जो किसी गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण किसी चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको बायो एवं सेवर्ट ने मिलकर एक नियम दिया, वी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। याद आ रहा है आप लोगों को? बायो सेवर्ट नियम आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे। उसमें था V अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम चालक तार की लंबाई dl, ठीक है, यदि हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। चलिए, ये दूसरा नियम था उन्होंने कि जो किसी कि किसी चालक तार में, किसी चालक तार में यदि आवेशों का प्रवाह हो रहा है तो उसकी लंबाई बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। यानी यदि हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो उसके कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नियम उन्होंने क्या कहा कि यदि हम किसी चालक तार में धन सिरे से, मतलब यदि किसी चालक तार में धारा की दिशा, यदि किसी चालक तार में हम धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर कर रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज यदि हम किसी चालक तार में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करें, अर्थात साउथ से नॉर्थ की ओर धारा प्रवाहित करें, तो इसमें चुंबकीय सुई में होने वाला विक्षोभ भी नॉर्थ की ओर, चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा भी एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाता है। फिर से समझिए, बहुत ही सिंपल बात में क्या कहा मैंने, उन्होंने कहा था कि यदि हम एंटी क्लॉकवाइज किसी चालक तार में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करें, अर्थात धारा की दिशा ए से बी की ओर हो, तो ये इस प्रकार होगा ना। देखिए ऐसे धारा की दिशा अगर ऐसे प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय सुई में होने वाला विक्षोभ भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगला उन्होंने क्या किया था, धारा की दिशा को परख दिया। तो इससे उन्होंने अगला निष्कर्ष निकाला कि यदि हम किसी चालक तार में क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करें, इसका मतलब बी से ए की ओर धारा प्रवाहित करें, तो अगर हम किसी चालक तार में बी से ए की ओर धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें होने वाला विक्षोभ भी क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब जिस तरह से धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा भी उधर की ओर झुकेगा। ये उन्होंने कहा कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षोभ भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इसको। उन्होंने अगला नियम क्या दिया
तीसरी में उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा था, देखिए जब ए से बी की ओर धारा प्रवाहित कर रहे थे तो चुंबकीय सुई में विक्षोभ किधर की ओर हो रहा था, ऊपर की ओर, दैट मीन्स नॉर्थ से वेस्ट की ओर, या ऐसे कहिए इसका उत्तरी सिरा थोड़ा सा पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जा रहा था, ठीक है। और जब उन्होंने क्या किया कि धारा की दिशा को पलट दिया, अर्थात बी से ए की ओर धारा प्रवाहित करने लगी, तो जब धारा की दिशा बी से ए की ओर प्रवाहित होने लगा तो चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा थोड़ा सा पूर्व की ओर विक्षेपित हो गया। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, पहला निष्कर्ष उन्होंने इससे निकाला, इससे उन्होंने कहा कि यदि, इससे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई देखो यदि अगर इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करें, यदि हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करें अर्थात धारा की दिशा ए से बी की ओर हो तो जो चुंबक का उत्तरी सिरा रहेगा वह भी एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाएगा। मतलब चुंबक का जो उत्तरी सिरा है वह धारा की दिशा में मुड़ जाएगा, क्लियर है। चलिए इसी प्रकार इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई अगर इसमें हम क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करें, मतलब बी से ए की ओर धारा प्रवाहित करें, तो इस चुंबक का उत्तरी सिरा है वह भी क्लॉकवाइज विक्षेपित होगा, मतलब यह नॉर्थ सिरा थोड़ा सा नीचे की ओर विक्षेपित हो जाएगा। समझ पाए क्या? चलिए अगला निष्कर्ष, अगला उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर इस सुई को मान लो इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, इस स्थिति में या किसी भी स्थिति में अगर हम चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इस सुई को इसे दूर ले जाते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि इस चुंबकीय सुई में विक्षोभ जो रहेगा वह शून्य हो जाएगा। मतलब यदि हम कंपास सुई को चालक तार से दूर ले जाएं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी घटता है। तो बायो सेवर्ट का नियम देखिए आप समझ जाएंगे, बी अनुक्रमानुपाती होता है आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आर क्या है उनके बीच की दूरी। तो अगर हम इस सुई को इससे दूर कर दें तो आर का मान बढ़ जाएगा, और अगर आर का मान बढ़ गया तो इसका मतलब बी का मान घट जाएगा, अर्थात इस चालक तार की इस चुंबकीय सुई से दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। आशा है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।